वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें ये सारा मटेरियल रिक्वायरमेंट है। एक हमें गत्ता चाहिए कार्डबोर्ड जो कि थोड़ा स्ट्रांग हो, उसके ऊपर हम जो डेको पेज करेंगे, कोई भी डिज़ाइन का पेपर चाहिए, रूलर चाहिए जो हम लाइन खींचेंगे, पेंसिल की ज़रूरत होगी और उसके साथ ही साथ एक हमें शार्प चीज़ की ज़रूरत होगी जो कि हम कार्डबोर्ड में छेद करेंगे उसके लिए। फिर एक रोलर, ये हमारा एक क्ले काटने के लिए कटर की ज़रूरत होगी। हम जो है यहाँ पे फेविक्रिल का ये मॉडलिंग क्ले यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसका रोल करके बनाएंगे तो इससे हम कटिंग करेंगे, ये हमें ज़रूरत होगी। फिर एंकर का थ्रेड है, ये हमारा एंकर का थ्रेड है। ये हमारे बीट्स हैं दो तरह के, छोटे बड़े, और ये कौड़ी है, कौड़ी बाजार से ली गई है जो कि इजीली मिल जाती है। फिर ये छोटे छोटे हमारे जंप रिंग्स हैं और ये हमारे ईयर रिंग्स हैं। ईयर रिंग बनाएंगे उसमें हम इनसे कनेक्ट करेंगे, ये रेडीमेड लिए हैं। और ये एक थ्रेड है जो कि ज्वेलरी मेकिंग के लिए आता है, बहुत मजबूत होता है, वो चाहिए होगा। ब्रश चाहिए, फेविकोल चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। साथ ही में थोड़ा सा मुझे ये रह गया था, ये प्लायर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इसके बगैर हम जंपिंग नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये ज़रूरत है। और थोड़े से कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कलर में दिखाती हूँ, हाँ ये कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी जब हम डेको पेज करेंगे तब हमें कलर करना होगा इसकी हेल्प के से। तो ये सारी चीज़ों की हमें जब ज़रूरत पड़ेगी और इसके बाद फिर हम अपना ज्वेलरी मेकिंग का काम शुरू करेंगे। ये बीट्स भी घर के बने हुए हैं जो कि मैंने पिछले उसमें बना के दिखाए हैं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ और ये बीट्स का लिंक मैं डाल दूँगी आपको। ये मैंने एक बड़ा रिंग, ये रेक्टेंगुलर शेप लिए और दो ये लिए। आपको जिस साइज़ का बनाना हो आप वो साइज़ में कट कर सकते हैं कार्डबोर्ड को। और ये मैंने दोनों इक्वल साइज़ में दो चीज़ों को मिलाया, रेजिन और हार्डनर, और दोनों को मिलाने के बाद जो है ये क्लिप बन के ऐसी तैयार हुई। इसको रोल करके एक शीट सी बना लेंगे और इसको इसके ऊपर रख के जितने बड़े बड़े ये पीसेस हैं हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये जब हम लगाएंगे तो इसके बाद ही हमारा कार्डबोर्ड जो है इतना हार्ड हो जाएगा कि फिर इसके ऊपर ये चिपका देंगे हम। ये देखिए चारों तरफ से हमने इसकी शेप करके चिपका दिया और पीछे की तरफ भी लगा दिया। अब हम इसमें नीचे की तरफ छेद करके तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम ये दो हमने कटिंग कर लिए हैं डेको पेज वाले पेपर, और ये जो भी डिज़ाइन आपको लगाना हो आप कुछ भी इसके ऊपर अब चिपका सकते हैं। आपका बेस तैयार हो गया है। अब ये बेस के बाद जो है ये मैंने ये फिगर ली, थोड़ा बड़ी है, इसको और छोटा कर देती हूँ और इसको मैं मैट पैच की हेल्प से इसको चिपका देती हूँ। आप कोई दूसरा ग्लू भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे चिपकाने के बाद ये ध्यान रखिए कि बीच में सल नहीं आने चाहिए, और इस तरह से ये पूरा ऊपर से दोबारा से मैट पैच का हम एक अप्लाई कर देंगे एक बार फिर से। और ये जो दूसरे पीस हमने ऊपर से कटिंग करे थे ये हम इसके कुंडल के ऊपर लगा रहे हैं। इस तरह से ये दोनों कुंडलों पे हम ये लगा देंगे। अब ये जो जगह वाइट दिख रही है यहाँ पे हम इसके मैचिंग का कलर कर देते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये ब्राउन कलर लगाया और फिर रेड कलर लगा के दोनों को मर्ज कर देंगे आपस में। बस एक बार थोड़ा सा सामान इकट्ठा करने का है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आपको कभी भी ऐसे इस टाइप से जल्दी बनानी है तो इजीली आप बना सकते हैं। और डेको पेज के लिए जो भी पेपर चाहें वो हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन अलग से भी लगा सकते हैं। ये कलर को हम मिक्स कर देंगे। इसी तरह इसके कानों के जो हैं कुंडल इनके ऊपर भी हम शेड डाल देंगे थोड़ा सा। ये दोनों पे कर लेंगे हम, और इसके पीछे की तरफ भी हम थोड़ा सा रेड कलर का कर देंगे। अभी ये थोड़ा सूख जाएगा, इसके बाद हम पीछे की साइड में भी कर देंगे। ये देखो इसे थोड़ी देर रखा रहने दीजिएगा और उसके बाद जब सूख जाए तब पीछे का करिएगा।
मेरा सूख गया था, उसके बाद मूसा था, ये तीनों मेरे बनके तैयार हो। अभी जब पीछे का सूख जाए तब सीधा करके रखना है। अब मैं एक मैंने वायर लिया है छोटा सा, और ये इसके अंदर जो वो वायर का थ्रेड है जो कि बहुत मजबूत टाइप का थ्रेड आता है, ये थ्रेड में मैंने कौड़ी और मोती ये सब डाल के मैं अपने इयर रिंग्स के नीचे लटका दूंगी, इसको बांध दूंगी। नॉट ना खुले उसके लिए जब हम इसको जोड़ने के बाद काटेंगे तो थोड़ा दूर से काटना है धागा एक्स्ट्रा। ऊपर जंप रिंग लगा दिया और इस जंप रिंग में जो है इयर रिंग का ये लटका दें। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा दो तीन गांठ लगा के एक्स्ट्रा काटना है। देखिए मैंने कितना ज़्यादा छोड़ा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेविकोल अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि ये जो है गांठ मजबूत हो जाएगी, खुलेगी नहीं। इस तरह से मैंने ये इयर रिंग्स तैयार कर लिए। और जो ये मेरा पेंडेंट है इसके लिए मैंने 30 सेंटीमीटर लंबे 4 बार ये थ्रेड लिए हैं और इसको फिर मैं डबल कर लूँगी। ये इसमें 6-6 तार होते हैं एक बार में, तो ये 6 तार वाली मैंने 4 टाइम्स ली थी 30 सेंटीमीटर, उसको मैंने डबल कर लिया जो कि मैं गले के अंदर पहनने के लिए बनाऊंगी। अब ये जो है इस छेद में हम जंप रिंग में हिलगा देंगे। एक साइड तो हमारा फोल्ड किया हुआ था तो जॉइंट आ ही रहा था, दूसरी साइड का जो है जो कि ओपन है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करें। अब हमें इसमें डालने हैं रिंग्स, तो मैंने एक छोटा सा वायर लेके ये रिंग डाले और ये पीछे की तरफ इसको हिलगा दिया, ये अंदर चला गया रिंग। पहले रिंग डबल करा, जो खुली साइड है वो आगे की तरफ रखी है, जो बंद है पीछे, उसमें से मैंने धागा डाल दिया तो ये तीनों अंदर चले गए इजीली। अब ये दूसरी साइड मुड़ के आ जाएगा तो ये हम दूसरी साइड का डाल रहे हैं। अब वायर हटा देंगे और इस धागे को इसमें यहाँ पे बांध देंगे, यहाँ एक जंप रिंग डालेंगे। रिंग छोटा है तो देखिए मैंने वायर डाल के फिर खींच के निकाल दिया, उसको वायर हटा दिया, इसकी गांठ लगा देंगे। गांठ ना खुले उसके लिए वहां पे गांठ पे मैंने फेविकोल लगा दिया था उसको। इसको एडजस्ट कर लिया गांठ के वहां तक और तीनों मोतियों को नीचे करके एक जो स्ट्रिंग है उसको बराबर हम डबल कर लेंगे। और इस तरह से देखिए कितना अच्छा ये हमारा सेट बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।